नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों, अग्निपथ योजना जो भारतीय सेना में भर्ती को लेकर लाई गई है, उसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। गाइज, यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है अग्निपथ योजना पर सेना का बड़ा बयान। आज दिनांक 19 जून 2022 को भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके जो है अपनी बात रखी, और उसमें बताया कि अग्निपथ योजना बिल्कुल भी वापस नहीं होगी। रक्षा सचिव, 2 साल से इस योजना को लेकर काम चल रहा था, सेना में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हिंसा करने वालों की भर्ती नहीं होगी, भर्ती से पहले पुलिस जांच होगी, बहुत सोच विचार कर अग्निपथ योजना लाए, एक एक पहलू पर गंभीर विचार हुआ, ये आगे बढ़ने वाला कदम है। तो जो अपने भारतीय सेना है, इन्होंने बताया कि जो अग्निपथ योजना है वो आगे बढ़ने वाला कदम है, किसी भी हाल में योजना वापस नहीं होगी, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। 24 जून से वायुसेना भर्ती होगी, नौसेना में भर्ती के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा, थल सेना के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा। सेना में सिर्फ अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, सेना में अब रेगुलर भर्ती नहीं होगी, सेना में पहले जैसे रेगुलर भर्ती नहीं होगी, अब सभी भर्तियां अग्निपथ योजना से ही होगी, किसी के दबाव में फैसला नहीं लिया गया है। तो इस तरीके से जो है भारतीय जो सेना है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें अपनी बात रखी थी कि ये जो फैसला लिया गया है ये किसी के दबाव में नहीं लिया गया है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है, देश की सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है, और अग्निपथ जैसी योजना को वापस लेने का कोई विचार नहीं है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको अग्निपथ योजना से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो है शेयर की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।